हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लक्ष्मी बबीता किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने ना कभी खाई होगी ना कभी देखी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए, तभी आपको ये पूरी रेसिपी समझ में आएगी, तभी आप परफेक्ट रेसिपी बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लिए हैं मैंने 3 कच्चे आम। इस रेसिपी को मैंने कच्चे आम और चने की भुनी हुई दाल से बनाया है। तो इन कच्चे आमों को पहले अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद इसका छिलका निकाल के, और इसमें देखिए आम में जाली पड़ चुकी है, ये कच्चे नहीं हैं। और वैसे कच्चे हैं ये, लेकिन इनकी जाली पड़ गई है। इसमें से हम गूदा गूदा अलग कर लेंगे, गुठली जो है उसको अलग निकाल के साइड में रख देंगे, और इस तरीके से इनको बारीक बारीक रफली कट कर लेंगे। आप बारीक मोटा कैसा भी इनको कट कर सकते हैं, क्योंकि इनको हमें पीसना ही है। तीनों आमों पर से इसी तरीके से हम गूदा निकाल लेंगे, पूरा पल इनका निकाल लेंगे, यानी कि पूरा गूदा इनका अलग कर लेंगे और गुठली को अलग कर देंगे। अब ये हमने तीनों गुठलियाँ अलग कर दी हैं और आमों को बारीक कट कर लिया है। अब इसको डाल देंगे एक मिक्सिंग जार में और इसको डाल के साइड में अलग रख देंगे। अब गैस पे रख दी है हमने एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे एक चम्मच कुकिंग ऑयल, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच डालेंगे सौंफ। सौंफ ज़रूर डालिए, सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस नाश्ते में। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। अब ये डाल दिए मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ, इनको भी मैंने छिलका निकाल के डाल देंगे। अब ये लेंगे मैंने 4-5 हरी मिर्ची, इनको बीच में से काट दिया है, आप चाहें तो बीच में से इनको लंबा लंबा काट के भी डाल सकते हैं। इस तरीके से डालेंगे तो ये फूटेंगी नहीं और जलने का डर नहीं रहेगा। और ये ले रही हूँ मैं एक कटोरी भुनी हुई चने की दाल, आप इसकी जगह जो काले चने आते हैं ना वो भी ले सकते हैं। ये भुनी हुई चने की दाल है, वैसे तो ये भुनी हुई है, हम इसे 1 मिनट के लिए भुनेंगे, ज़्यादा कलर चेंज इसका नहीं करेंगे। आप इसकी जगह इस तरह के चने ले सकते हैं, काले चने, इनका छिलका निकाल दें। और ये है भुनी हुई दाल, इसको हम नारियल चटनी में यूज़ कर सकते। अब इस दाल को हम भून लेंगे लो टू मीडियम पर, दाल हमारी भून चुकी है, इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। और सारे आमों को इस तरीके से हम काट लेंगे, काटने के बाद एक लेंगे मिक्सिंग जार और उसमें सारे आमों को डाल के अच्छा स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे, यानी कि एकदम बारीक पेस्ट बना के इसका हम तैयार करेंगे। हो सके तो इसका बारीक ही पेस्ट बनाइए, थोड़ा हल्का मोटा भी रह जाए थोड़ा सा तो कोई बात नहीं है। और ये ले रही हूँ मैं 1 ग्लास पानी, इसमें डालेंगे हम 1 हिस्सा पानी, 3 हिस्से हम बचा के रखेंगे, ज़्यादा पानी अभी नहीं डालेंगे इसमें। और एक इसका पीस के स्मूथ सा पेस्ट हम तैयार करते हैं। देखिए ये अब हमारा पिस चुका है, इस तरीके का आपको पीसना है एकदम बारीक। अब इसको रखेंगे हम साइड में, फिर से चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे रख दी है हमने फिर से कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा जब अच्छे से भून जाए तो फिर डालेंगे इसमें हम 1/4 हल्दी पाउडर, इस तरीके से डालने से हल्दी अच्छे से भुन जाती है तेल के साथ। अब इसको भी भून लिया है, और जो हमने एक कच्चे आम की फ्यूरी बना के रखी थी उसको इसमें डाल देंगे, और चलाते हुए हमें लगातार इसको भूनना है। और इसमें डालेंगे जो हमारा वो ग्लास का पानी बचा हुआ था उसे इसमें हम डाल देंगे, हमारे मिक्सिंग जार में डालकर उसको हम पानी को डाल देंगे, तो जार में से जो चिपका हुआ है वो भी निकल जाएगा और जार हमारा साफ़ हो जाएगा। तो इसमें अब मैंने पानी डाल दिया है, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, और लो टू मीडियम गैस का फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम अभी नहीं रखेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिससे ये और भी टेस्टी बन के तैयार होगी। मैं ले रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच लेंगे इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर, जिससे कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा स्पाइसी भी लगेगी ये हमारी चटनी। और तीनों मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसको इसी तरीके से थोड़ी देर
चलाते हैं अच्छे से, जिससे मसाले इसमें घुल जाएं अच्छे से। देखिए मिर्ची डालने से इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लग गया है और ये थोड़ी पक भी गई है। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने वाइट वाला नमक डाला है जो हम नॉर्मल खाते हैं। और ये ले रही हूँ मैं सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर ना हो आपके पास तो आप ले लीजिए छोटा सा अदरक का टुकड़ा, जब हमने आम को पीसा था तभी इसमें आप डालकर पीस लीजिए। और ये डाल रही हूँ एक कटोरी भरकर मैं इसमें गुड़। इसको मैंने कद्दूकस से क्रश कर लिया था, आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। और इधर ये देखिए जो हमने दाल ठंडी करने के लिए रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है, उधर हमारी चटनी भी पक रही है। तब तक चटनी पक रही है तब तक हम इस दाल को पीस लेते हैं। ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं अच्छे से, इसको गरम गरम ना पीसें, जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी इसको पीसें। अब सबको कर लिया है मैंने इस जार में ट्रांसफ़र। अब इसमें को हमें बिल्कुल भी पानी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, जैसा है ये इसको ऐसा ही हमें बिल्कुल पीसना है। इसका एकदम फाइन पाउडर बना के हमें तैयार करना है। थोड़ा बहुत अगर दरदरा रह जाए तो कोई बात नहीं है, वैसे देखिए एकदम फाइन पाउडर बन चुका है, सारी चीज़ों अच्छे से पिस गई हैं, किसी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें क्या डाला था। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें इस सारे पाउडर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स इससे है ना बहुत ही अच्छी आज हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। और आप इसे बना के एक साथ रख सकते हैं, इस प्रीमिक्स को आप किसी एयर टाइट डब्बे में भर के रख दीजिए और जब आपको नाश्ता बनाना हो तब आप इसको निकाल कर यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है, मेरे बच्चे तो अक्सर इसे हफ्ते में कई बार इसे बनवाते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची हमने पहले भी डाली है तो ध्यान से डालें, आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अब डालेंगे इसमें हम नमक, एक पिंच डालूंगी मैं इसमें हींग, हींग जरूर डालें, हींग का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। अब ये आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं सादा नमक और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम काला नमक। इन दोनों नमकों से बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि इसमें दाल के साथ पूरी तरह मिक्स हो जाए। और मिक्स करके इसको रखते हैं अब साइड में, चटनी को चेक कर लेते हैं कि चटनी हमारी पकी है या नहीं। अब देखिए चटनी हमारी पक चुकी है, अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डालूँगी एक बड़ा चम्मच भर के, ये खरबूजे के बीज हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, देखने में भी बहुत अच्छी लगी। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी ये चटनी हमारी बहुत अच्छी लगेगी। चटनी हो गई है तैयार, गैस को कर दिया है बंद। अब ले रही हूँ मैं ये आटा, ये 2 कप भर के मैंने आटा लिया है। आप चाहें इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आटे से ही बनाती हूँ तो आज भी हम आटे से ही बनाएंगे। आटा गूंद के हमने तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, आटे में से हम लेंगे एक, जितनी हम रोटी बनाते हैं उस हिसाब से एक रोटी का एक पेड़ा बना लेंगे इसमें से, और एक मोटी सी लोई बना के तैयार करेंगे, मतलब कि ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, मीडियम साइज की, जैसे हम चपाती बनाते हैं उसी साथ की चपाती पराठा बनाते हैं। अब जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था उसको हम रख लेते हैं साइड में, और चकले पे हम इसको एक बड़ी रोटी के साइज में इसको हम बेल के तैयार करेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है, इस रोटी को हमें पतला और बड़ा बनाना है, जितना हम बड़ा बना सकें उतनी हमें ये रोटी बड़ी बनानी है, इसको हमें छोटा नहीं बनाना है बिल्कुल भी। बड़ी रोटी बनाकर बेलना है और पतली रोटी जितनी हम बना सकते हैं उस हिसाब से हमें पतली रोटी बनानी है इसकी। एकदम चकले के साइज की मैं ये रोटी बना ले रही हूँ, बड़ी सी और एकदम पतली सी। अब लीजिए ये रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ले रही हूँ मैं देसी घी, देसी घी को पूरी रोटी पर इस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी लगाएंगे ज़्यादा अच्छी बनेगी और एकदम खस्ता हमारा ये नाश्ता बनके तैयार होगा। अब जो हमने ये चने की दाल का वो बना के तैयार किया था उसको हम इस पर फैला देंगे, किनारों को छोड़ के हमें पूरी पे फैला देना है, क्योंकि इस पर हमने देसी घी लगाया है तो ये अच्छे से
चिपक जाएगा, और इस तरीके से इसे रोल रोल करके इसे घुमाना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। किनारों को हमने छोड़ के इसको फैलाया है और देखिए ये बिल्कुल भी निकल भी नहीं रहा है, आराम से फोल्ड हो रहा है। और जो लास्ट का छोर है उसे अच्छे से चिपका देंगे, वैसे तो अच्छे से चिपक जाता है, और इसको रोल रोल घुमा के जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, उस तरीके की हम ये लोई बना लेंगे। ये लोई हमने बना लिया, अब सूखा आटा लगा के इसको हम बेलेंगे, और इसको हमें हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देना है। वैसे तो जो हमने ये चने की दाल का ये पाउडर इसमें भरा है वो निकलता नहीं है, पर फिर भी आप इसको आराम से बेलें, इस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। इस तरीके से हल्के हाथ से घुमाते हुए हमें इसे बेल लेना है, रोटी के जितना हमें इसे बड़ा बेल के तैयार करना है। लीजिए ये हमारा हो गया तैयार, अब तवे पे हमने इसको डाल दिया है सेकने के लिए। देखिए देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी फटा नहीं है, दोनों साइड से एकदम बढ़िया। और इसको मैं देसी घी लगा कर सेक रही हूँ, आप ऑयल से भी सेक सकते हैं इसको। दोनों साइड से उलट पुलट करके इस तरीके से, और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो जल जाएगा। और देसी घी लगाते हुए बहुत ही अच्छा ये हमारा पराठा बन के तैयार होगा। आप इस तरीके का पराठा आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, घर वाले अगर ऑफिस जाते हैं तो उनके लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये आम की चटनी के साथ में, इमली की चटनी से कई गुना ज़्यादा स्वाद इसका अच्छा होता है। एक हमने बना के तैयार कर लिया, दूसरा भी मैं आपको इसी तरीके से बना के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस पे भी इसी तरीके से हम घी लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारा ये हमने चने की दाल का पाउडर बनाया ये अच्छे से इस पे चिपक जाता है घी लगाने से, और खस्ता भी बहुत बनता है। और इसको इसी तरीके से पूरे पे फैला लेंगे। आप चाहें तो इस पे कुछ धनिए की पत्तियां भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। देखिए पूरे उस पे मैंने रोटी पे इसको अच्छे से फैला लिया है। अब इसको वापस से ऐसे ही मोड़ेंगे, टाइटली मोड़ें जिससे कि ये खुल ना जाए, और इसको ऐसे ही लच्छे पराठे की तरह इसका रोल बना लें। एक लोई बना के हमने तैयार कर लिया, अब सूखा आटा लगाएंगे और वापस से इसको बेल लेंगे। फ्रेंड्स इसका स्वाद ना खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, और अंदर से एकदम परतदार खस्ता ये बन के तैयार होता है, और स्वाद तो इसका ऐसा है कि आप एक बार बना लेंगे तो इसको बार बार बनाएंगे। और बहुत ही आसान है इसको बनाना, फटाफट से बन जाता है। आप एक बार इस दाल के इसको मिक्सचर को बना के रख लीजिए, और हफ्ते भर के लिए आप नाश्ते के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। अब दूसरा भी हमने डाल दिया है तवे पर, इसको भी हम पलट कर इस पर भी ऐसे ही घी लगा देंगे। देखिए ये हमारा सिक चुका है, एक मिनट के बाद अब इसको मैंने पलट दिया है। अब इस पे लगा देंगे हम देसी घी, इस पे भी देसी घी लगाने के बाद इसको भी हम पलट देंगे। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा ये सिक्के तैयार होगा। देखिए अब दूसरी साइड भी मैं घी लगा रही हूँ, और इस पे हल्का क्रिस्पी होने तक, इसे अच्छा कलर आने तक हम इसको सेकेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे पराठे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये फ्रेंड्स हमारा ये भी पराठा बन के तैयार हो गया है। अब इसको सर्व कर रही हूँ मैं वो आम की चटनी के साथ। आम की चटनी से बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितना बढ़िया सिखाए, एक और खस्ता लग रहा है एकदम। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से, देखिए कितना लेयरदार ये बना है हमारा ये पराठा, बिल्कुल भी फटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है।